आज हम बनाएंगे मावा के गुलाब जामुन। आप इसे खोया के गुलाब जामुन के नाम से भी जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मजी फूड चैनल पर आपका स्वागत है। रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक बिना फॉरवर्ड करके देखें, जिससे रेसिपी ठीक से समझ में आएगी। फॉरवर्ड करने से छोटी छोटी टिप्स छूट जाती हैं, और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने खोया लिया है। मावा के गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मावा लिया है। आप अगर मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम है। यदि आप मार्केट से मावा लाते हैं तो वो थोड़ा सा पुराना रहता है, 1 या 2 दिन, और थोड़ा कड़क रहता है, तो उसे आपको कद्दूकस करके इस तरह से सॉफ्ट बनाना होगा। और यदि आपका मावा घर में बनाया हुआ है तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो उसमें आपको इतना सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो मावा है हमारा अच्छा सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह हमारा मावा सॉफ्ट होना चाहिए। तो 2 कप मावा लिया है, तो इसमें हम अब 1/2 कप मैदा मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें आटा भी मिला सकते हैं, यदि आप मैदा पसंद नहीं करते हैं तो याद रखिए 2 कप मावा लिया है तो 1/2 कप मैदा लिया है हमने। तो इस हिसाब से जो मैदा है वो 70 ग्राम होगा, 250 ग्राम खोया में 70 ग्राम मैदा। और ये 2 टीस्पून हम सोजी मिला रहे हैं, इससे इस गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। तो आप अगर यदि बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 2 चुटकी डालें। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग होता है। इस तरह से हमें इसे जिस तरह से छेना मलते हैं उस तरह से हमें इसे मलना है, अपनी हथेलियों के सहारे से इस तरह से। और खोया जो है उसे अच्छा से सॉफ्ट करना है। हमने काफ़ी इसको मला है, इसके बाद भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये हार्ड है, तो इसमें हमें अभी इसे और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा हम दूध लेंगे। तो दूध के लिए मैंने 1/2 कप दूध लिया है, तो इसमें हमें लगता लगता दूध लेंगे। तो जैसे हम मैंने 2 टेबल स्पून दूध लिया है, इससे ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके मलते जाना है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून दूध और डाला है, जिससे कि हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। डो हमारा इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब हम गोले बनाएंगे तो उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है। इस तरह हमने इसमें दूध 5 टेबल स्पून डाले हैं, इतना दूध हमारा बच गया है। तो जितना दूध लगे उतना ही डालें, एकदम सॉफ्ट ना करें। और जब हम इसे इस तरफ गोल घुमाएंगे तो आप देख रहे हैं कि प्लेट में कहीं हमारा खोया जो है वो चिपक नहीं रहा है, डो एकदम अच्छा बना है। तो अब हम इसे 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट ऐसी करके ढाकने रख देंगे, और इसके बाद हम इसकी गोलियाँ बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके गोले तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के चाहे जितने भी तरीके हो, लेकिन जिसने भी मावा के गुलाब जामुन टेस्ट किए हैं वो जानता है कि मावा के गुलाब जामुन का टेस्ट ही सबसे अच्छा होता है, और एक अलग ही टेस्ट आता है मावा के गुलाब जामुन का। इस तरह हम एक तरह से गोले तैयार कर लेंगे इसके। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आई है। और आप अगर दबा के देखेंगे तो इस तरह से होएगा, ये क्रैक्स कहीं बन नहीं रही है, मतलब हमारा जो डो है वो एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अब इसके हम गोले तैयार कर लेंगे। तो गुलाब जामुन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको डो को जो है उसे सॉफ्ट मलमल के कपड़े से ढक के रखना पड़ेगा, ताकि वो कड़क ना आ जाए। तो हम पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। बर्तन में मैंने शक्कर लिया है, शक्कर मेरी 2 कटोरी है टॉप से, ये 1 कटोरी और एक ये दूसरी नाप से, ये 2 कटोरी है। लेकिन मेजरमेंट अगर आप लेंगे इसका तो ये 250 ग्राम है। 250 ग्राम में हमने जितनी शक्कर ली है उतना ही पानी लेंगे, तो मैं 2 कटोरी पानी ले लेंगे। तो अब हम इसे शक्कर घुलने तक ऐसे गर्म कर लेंगे, और शक्कर जब हमारी घुल जाएगी तब हम इसे 5 मिनट तक और अच्छी फुल फ्लेम में पका लेंगे। अब जो हमारी शक्कर है वो घुल गई है, अब इसमें मैं ये हमने सैफ्रॉन जो है केसर, इसका जो
इसे डाल देंगे। शक्कर हमारी घुल गई है, अब हम इसे 5 मिनट तक होने देंगे, थोड़ा इसे चिपचिपा होने तक, जैसे एक तार आ जाए इसका, तो इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे अभी। अब हमें चाशनी को और ज़्यादा नहीं पकाना है, चाशनी अगर ज़्यादा पक जाएगी तो गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब हम इसे थोड़ा गुनगुना होने रख देंगे। गुलिया हमारी बन के तैयार है, पैन में हमने घी ले लिया है और हम इसे अब फ्राई करेंगे। तो घी हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि ये जो है बैठे ना, और ऑयल एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे तलना है ताकि एकदम लगे ना। इस तरह हम एक एक करके डाल देंगे। आप पहले चेक भी कर सकते हैं एक छोटी सी गोली डाल के, यदि गुलाब जामुन फूट रहा है तो आपको उसमें आटा या मैदा जो भी है आपने मिलाया है वो और मिलाना पड़ेगा। डालने के बाद हमें इसे थोड़ा इस तरह से हिलाते रहना है ताकि जो गुलाब जामुन है वो नीचे जाके लगे ना। देखिए हमारे जो गुलाब जामुन वो ऊपर तैरने लगे हैं, इसका मतलब हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट कलर आया है इसे, और फटे भी नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल हलवाई जैसे। तो इसके लिए चाशनी जो है हमें वो बिल्कुल गुनगुनी रखनी है, एकदम गर्म नहीं रखनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसे हल्का हल्का ऐसे कर देंगे, इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, तो ये अपने आप अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे गुलाब जामुन। तो आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, कितने परफेक्ट बने हैं ये देखिए। मैं सबको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे स्पंजी बने हैं, और इसमें जो है चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए। तो मैं भी आप इसको प्लेट में लेके दिखाऊंगी, ये देखिए इसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अंदर से बहुत ही स्पंजी बने हैं, ये देखिए कितने अच्छे स्पंजी बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं ये। तो ये थी हमारी मावा गुलाब जामुन की रेसिपी।